अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जामी क्लासेस। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रहमतुल्ला, और आज हम बात करेंगे कितने तरह का स्टोर कीपर होता है। पहले मैंने आपसे ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कीपर से रिलेटेड जो है ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हूं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा बिल्कुल हटके होगा। इस टॉपिक में हम बात करेंगे स्टोर कीपर कितने तरह के होते हैं और हर स्टोर कीपर की अपनी क्या क्या जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो गाइस, जो भी हजरात बिल्कुल नए चैनल में, रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, ताकि आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आप लोगों का जामी क्लासेस में मेरा वेलकम है, और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टोर कीपर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो सबसे पहले स्टोर कीपर की लिस्ट में आता है वेयर हाउस स्टोर कीपर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ओवरसीज जनरल ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग द शिपमेंट एंड taking the deliveries, conducting the stock check, recording the warehouse transactions, storage of inventory and guaranteeing the safe and efficient operation of the material handling equipment in a warehouse. Guys, इसका मतलब ये होता है कि warehouse का जो store keeper होता है वो overall जो general operations होती है उसकी जो activities में वो involve होता है। For example, मटेरियल की शिपमेंट का फॉलोअप उसको करना होता है, मटेरियल कहाँ तक पहुँचा है, कब पहुँचेगा, कौन से पोर्ट में पहुँचा है या कौन सी यार्ड में है, वो उसके बाद इसको फॉलोअप करना है। कंडक्ट द स्टॉक चेक, जो भी स्टॉक है, जितना भी तरह का स्टॉक है, उस स्टॉक का जो है इन्वेंट्री उसको चेक करते रहना है, कितनी है, बैलेंस कितना है या रिक्वायरमेंट कितना, उसको फॉलोअप करते रहना है। रिकॉर्डिंग द वेयर हाउस ट्रांजेक्शन, मीन्स वेयर हाउस में कितना सामान आ रहा है, स्टॉक कितना सामान स्टॉक जहाँ से बाहर हो रहा है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड होना चाहिए। स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री का भी अपना स्टोरेज होना चाहिए, एंड गारंटिंग द सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इन वेयर हाउस को गारंटी देना है इंचार्ज या ऑफिसर को कि वेयर हाउस के अंदर जिस भी तरह का एक्टिविटीज चल रहा है वो सेफ एंड सिक्योर है। दूसरे नंबर पर हम आते हैं मेडिकल स्टोर कीपर। मेडिकल लाइन में भी स्टोर कीपर्स होते हैं गाइस, इस भी एक तरह का स्टोर कीपिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द फार्मेसी स्टोर कीपर मेडिकल वर्क्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल फार्मेसी, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग द एक्यूरेट मेडिकल कंसेप्शंस एंड विल एक्ट एज अ मेडिकल फोकल पर्सन बिटवीन द मेडिकल एंड लॉजिस्टिक पर्सन इन द प्रोजेक्ट। तो गाइस, ये भी एक तरह का स्टोर कीपर होता है, लेकिन इनकी जो क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मेसी से रिलेटेड होती है, इनकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है, वो मेडिसिन से रिलेटेड इनको जो है फॉलोअप करना होता है, और एक तरह का इनको पूरा स्टॉक रखना पड़ता है, कहाँ मेडिसिन कौन से प्रोजेक्ट में कितना कंजप्शन हो रहा है वो सारा अपडेट जो है इनको रखना होता है, और वो एक तरह के मीडिएटर होते हैं बिटवीन मेडिकल जो हॉस्पिटल है या फिर जो लॉजिस्टिक पर्सन के बीच में मीडिएटर होते हैं, इनको सारा कुछ अपडेट करना होता है। इसकी और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं बस एक छोटे से वीडियो में आपको टाइप्स और उसकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और डिटेल में जानने के लिए आप जो है गूगल में भी जाकर के टाइप कर सकते हैं, और आप जो है मेरे को कमेंट्स में बताएं, मैं आपको वहाँ भी डिटेल्स में बता सकता हूँ। उसके बाद आते हैं गाइस होटल स्टोर कीपर। जो स्टोर कीपर जो होटल लाइन्स में होते हैं उनकी अपनी पर्सन अलग से डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। द स्टोर कीपर इन द होटल हैज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिसीव स्टोर इन द इश्यू द सप्लाई एंड इक्विपमेंट फॉर द डे टू डे होटल ऑपरेशन, वर्क क्लोजली विद द परचेसिंग डिपार्टमेंट, इंश्योर द क्लीनलेस ऑफ ऑल वर्क एरिया, कीपिंग द स्टोर एंड रिसीविंग द एरिया क्लीन एंड टीडी एट ऑल टाइम्स। गाइस, स्टोर कीपर्स जो होटल लाइन्स में होते हैं मोस्टली इनका जो कन्वर्जेशन होता है वो परचेज डिपार्टमेंट होता है, और इनकी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अलग होती है तमाम स्टोर कीपर से। इनका जो है जो फूड है वो नॉर्मली डेली बेसिस पे ज़्यादा फूड आता है, क्योंकि होटल या स्टोरेज एरिया नहीं होता है ज़्यादा, तो बहुत सारा जो फूड है वो डेली बेसिस में आता है फ्रेश, जिसकी वैलिडिटी 1 से 2 दिन की होती है। तो इनका अपना टेम्परेचर स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, और फूड वगैरह का जो है एक्सपायरी डेट होता है, वैलिडिटी होता है, वो सबको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेज करना होता है। उसके बाद इनको जो है किचन इक्विपमेंट्स वगैरह है उसमें बहुत सारी अपनी अपनी डिपार्टमेंट्स हो जाती है, तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाता है होटल स्टोर कीपर को भी। तो इसके अपने इस तरह के भी जॉब जो है आपको ऑलरेडी मिल जाएगा अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं या आप स्टोर कीपर हैं तो। उसके बाद आते हैं गाइस, सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल मार्केट में मोस्ट डिमांडिंग जॉब है वो कंस्ट्रक्शन स्टोर कीपर का है। इसकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। मेंटेनिंग द कीपिंग द ट्रैक ऑफ द रिसीप्ट, रिकॉर्ड एंड विदड्रॉ ऑफ द स्टॉक रूम, रिसीविंग एंड लोडिंग एंड स्लेविंग द सप्लाई, एक्सिक्यूटिंग द अदर स्टॉक रिलेटेड ड्यूटीज विच मे इंक्लूड द रिटर्निंग, पैकेजिंग
प्राइसिंग एंड द लेबलिंग सप्लाई एग्जामिनिंग एंड द रिव्यूइंग द डिलीवरी फॉर द डिस्क्रिपेंसी एंड द डैमेज एंड द रिपोर्टिंग टू द नेसेसरी पर्सनल फॉर द रिइंबर्समेंट्स एंड द रिकॉर्ड कीपिंग क्लीनिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड द टेस्टिंग देम टू इंश्योर द फंक्शनैलिटी ओवरसीइंग एंड आवर exercising the general control over all the tools and activities of the store, inspection the construction site and ensuring that all tools or equipments are complete and in the good shape, answering the question regarding the procedure and the solving the issue that may arise on the receipts, deliveries, warranties, repair and the supplies and surplus supply. तो गाइस कंस्ट्रक्शन स्टोर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तरह का काम होता है, मटेरियल को इन करना, आउट करना, मेंटेन करना, रिकॉर्ड रखना, टूल्स और मशीनरी जो आती है, दो तरह की टूल्स और मशीनरी आती है, एक को जो कंपनी खुद परचेस करती है, एक रेंट पे ले जाता है, उनका अपना डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड बनाना, टाइमशीट बनाना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती है। तो और भी गाइस हम बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो बने रहिए। थैंक यू सो मच।